पंजाब के लिए केजरीवाल का 6 गारंटी ऐलान, फ्री बिजली के बाद इलाज और ऑपरेशन भी मुफ्त। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी को लेकर जनता से 6 बड़े वादे किए, जिनमें चुनाव में जीत के बाद पंजाब के लोगों को फ्री इलाज, दवाएं, टेस्ट और ऑपरेशन का वादा किया गया। अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है और इसी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर हैं। लुधियाना में सीएम केजरीवाल ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और राज्य की जनता से हेल्थ सेक्टर को लेकर 6 बड़े वादे किए। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता को फ्री बिजली देने का वादा किया था। पंजाब की जनता के लिए किए गए 6 वादे, पंजाब के हर शख्स को मुफ्त और अच्छा इलाज, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट और ऑपरेशन भी मुफ्त होंगे। पंजाब के हर व्यक्ति को हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा जिसके अंदर सारी जानकारियां होंगी और उसे हर जगह अपना रिपोर्ट लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी। पिंड में मोहल्ला क्लिनिक यानी पिंड क्लिनिक खोला जाएगा। राज्य में 16,000 पिंड क्लिनिक खोले जाएंगे। सभी सरकारी अस्पतालों को ठीक किया जाएगा, यहाँ प्राइवेट अस्पताल की तरह ही इलाज होगा। रोड एक्सीडेंट में घायल हुए वे व्यक्ति के इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। इलाज किसी भी महंगे हॉस्पिटल में हो, पीड़ित के जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। दिल्ली शराब की सभी प्राइवेट दुकानें कल से हो जाएंगी बंद। 15 पॉइंट में समझे नए नियम में क्या। दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद कल यानी 1 अक्टूबर से शराब की सभी प्राइवेट दुकानें बंद हो जाएंगी। नई लाइसेंस धारक शराब की खुदरा बिक्री 17 नवंबर से शुरू करेंगे। हालांकि इस दौरान राज्य सरकार द्वारा संचालित शराब की दुकानें खुली रहेंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद कल यानी 1 अक्टूबर से शराब की सभी प्राइवेट दुकानें बंद हो जाएंगी। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत 266 प्राइवेट शराब की दुकानों सहित सभी 850 शराब की दुकानें टेंडर के जरिए निजी कंपनियों को दे दी गई हैं। नए लाइसेंस धारक शराब की खुदरा बिक्री 17 नवंबर से शुरू करेंगे। हालांकि इस दौरान सभी राज्य द्वारा संचालित शराब की दुकानें खुली रहेंगी जो 16 नवंबर के बाद बंद हो जाएंगी। नई नीति का उद्देश्य ग्राहक के अनुभव में सुधार करना, शराब माफिया पर रोक लगाना और चोरी को खत्म कर राष्ट्रीय राजधानी में शराब के कारोबार को सुधार करना। दिल्ली NCR आज रात से करवट लेगा राजधानी का मौसम। बारिश की संभावना, 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक लगातार बरसेंगे मेघ। सूरज के कड़े तेवरों के कारण चिचलाती धूप का सामना कर रहे दिल्ली NCR वासियों को बृहस्पतिवार रात से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये है कि अगले 48 घंटों के भीतर मौसम करवट लेगा और बारिश का नया दौर शुरू होगा। इस कड़ी में 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक लगातार बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये है कि अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 35 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मध्य रात से मौसम करवट लेना शुरू कर सकता है और 1 अक्टूबर को दिल्ली में कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। राजधानी में रामलीला मंचन और दुर्गा पूजा को मंजूरी, कोविड प्रोटोकॉल अनिवार्य। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में नहीं मिली मेले की इजाजत। मास्क की अनिवार्यता के साथ करना होगा शारीरिक दूरी का पालन। रामलीला मंचन व दुर्गा पूजा आयोजन को कोरोना नियमों के पालन की शर्त पर मंजूरी दे दी गई है। उप राज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि बैठक के दौरान दिल्ली पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों को त्यौहार सीजन के दौरान कोरोना नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके तहत त्यौहारी सीजन के दौरान एक ही स्थान पर जमा होने वाली भीड़ से बचाव करने के साथ दशहरा व दुर्गा पूजा में सामाजिक दूरी का पालन करने को कहा गया है। DDIMA ने बैठक में स्पष्ट किया है कि रामलीला मंचन व दुर्गा पूजा के दौरान मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। आयोजन स्थल पर केवल सीटों की संख्या के अनुसार ही लोग आने की अनुमति होगी। किसी भी तरह के खाने पीने के स्टॉल लगाने की इजाजत नहीं है। आयोजकों की सुनिश्चित करना होगा कि वहां 100% लोगों ने मास्क लगा रखा हो। वहीं आयोजन स्थल पर प्रवेश व निकासी के लिए अलग से गेट बनाने होंगे। राजधानी में वाहनों के दस्तावेज अब 30 नवंबर तक रहेंगे वैध। आवेदकों की संख्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने दी है राहत।
ड्राइविंग लाइसेंस परमिट पंजीकरण के लिए बढ़ते आवेदन को देखते हुए परिवहन विभाग ने वाहनों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता की मियाद 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। इससे आवेदकों को अब अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। इससे लाखों की संख्या में आवेदकों को राहत मिलेगी। परिवहन विभाग के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में वाहन संबंधी दस्तावेजों के लिए बढ़ते आवेदन को देखते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने मियाद बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसकी मियाद पहले 30 सितंबर तक थी। दस्तावेजों की वैधता बढ़ाए जाने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में वाहनों के लाइसेंस के लिए बढ़ती भीड़ को देखते हुए मियाद बढ़ाने का फैसला लिया गया है।